हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। देखो, मैं आपको पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि टेलीग्राम पे एक चैनल है वेलकम यूपीएससी के नाम से अपना, और उस चैनल पे आप जाके आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं और आंसर है वो वहाँ पर मिल जाएंगी, और जो न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं ये भी आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इनका अपडेट वगैरह ले सकते हो। जैसे जो न्यूज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो जो कल की भी कुछ न्यूज़ थी वो भी वहाँ पे डिस्कस की गई है, तो आप वहाँ से हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, तो आप काफ़ी अच्छी आप अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। जो पहला क्वेश्चन है आज का वो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक वर्ड था जो है यहाँ पे होवेजस, तो आपको पता है कि होवेजा वर्ड जो रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस रिलेटेड है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि होवेजा है वो एक्चुअली एक मिसाइल है। किसकी? अभी ईरान के द्वारा इसका एक्सपेरिमेंट है वो किया गया था, तो यह आपको ध्यान में रखना कि होवेजा जो मिसाइल है वो ईरान की है। पहला ऑप्शन आपके सामने से यहाँ पे दिया गया, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा कि जो हो देखो इसमें आपको बता दूँ, बस इतना ही याद रखना कि होवेजा है वो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ज़्यादा इसमें हमारे लिए कुछ काम का नहीं है क्योंकि इंडिया की कोई मिसाइल नहीं है, तो इतना कुछ हमारे लिए बनता भी नहीं है। बट अभी न्यूज़ में है, न्यूज़ में देखो ये साल इसलिए भी थी क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रंप है यूएसए की, उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई थी वो कैंसिल कर दी थी, और इसीलिए फिर काफ़ी बड़े इश्यूज़ भी हो गए, तो काफ़ी सुर्खियों में रही है। तो अभी ईरान ने अपनी न्यूक्लियर जो मिसाइल है इसका टेस्ट है वो किया है, जो नॉर्मल मिसाइल है उसका क्रूज मिसाइल का टेस्ट है वो यहाँ पे किया है। ध्यान रखना, इसमें न्यूक्लियर वेपन की मिसाइल नहीं है, ये नॉर्मली एक मिसाइल है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे एसएस बेनिफिट शेयर के बारे में। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेट के द्वारा अभी रिसेंटली एसएस बेनिफिट शेयर स्कीम है या जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है क्या? पहले देखो हम ये जानते हैं, पहले तो सॉरी एक बार ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा। देखो, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एसएस बेनिफिट शेयर स्कीम के बारे में, ये सॉरी ये जो प्रोग्राम है। देखो, आपको पता है कि जो ट्राइबल्स एरिया हैं वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, और उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, मतलब वो अपनी आजीविका आजीविका ही एक तरह से चला पाते हैं, ज़्यादा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। और कई बार क्या होता है कि ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट हैं वो बाहर की इंडस्ट्री वगैरह यूज़ करती हैं और ट्राइबल को उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। अब गोवा गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि भाई जो बायोडाइवर्सिटी का जो जोन, जैसे बायोडाइवर्सिटी का जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कि शहर जो जंगलों से कोई भी ऐसी चीज़ें हैं या फिर कोई भी ऐसी प्रोडक्ट वगैरह हैं जिनको बाहर ले जाके बेचा जा रहा है, उन प्रोडक्ट्स के आधार पर क्या होगा कि जो सेलर्स वगैरह हैं ना उनसे कुछ ना कुछ पैसा वसूला जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि इसमें प्रावधान किया गया था कि 0.05% जो पैसा है उनका प्रॉफिट का वो उनसे वसूला जाएगा, और फिर उस पैसे को जो ट्राइबल एरिया है ना उनको बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब ट्राइबल एरिया के एरिया में डेवलपमेंट किया जाएगा या फिर उनको वहाँ पे बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो ये एक बेनिफिट है, अच्छा इनिशिएटिव है, वो स्टार्ट किया गया है गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो इस क्वेश्चन है सॉरी वो है गुरु पद्म संभव के बारे में। इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि गुरु पद्म संभव है वो एक्चुअली सेकंड बुद्धा के नाम से भी जाने जाते हैं, और उनका बुद्धिज्म को प्रमोट करने में फैलाने में काफ़ी अहम रोल था। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो थांगटा पेंटिंग और जो मूर्तियां हैं, जो पेंटिंग्स हो गई, इसके साथ जो फोटोग्राफी हो गई, वो एक्चुअली इनके जीवन काल से रिलेटेड है गुरु पद्म संभव के बारे में। अब आपको बताना कि दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, यहाँ पे हम बात करें गुरु पद्म संभव के बारे में, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्चुअली बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे, और उनके सेकंड बुद्धा के नाम से भी इनको जाना जाता है क्योंकि इनका अहम रोल था बुद्धा के बाद बुद्धिज्म को प्रमोट करने में। और जो थांगटा पेंटिंग है जो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया में बनाई जाती है, आप ये बताइए कि थांगटा पेंटिंग कौन से स्टेट की है, या बताइए कि थांगटा पेंटिंग कहाँ की फेमस है। तो थांगटा जो पेंटिंग है, जो वहाँ की मूर्तियाँ वगैरह स्कल्पचर हो गया, जो फोटोग्राफी होगी, वो उनकी लाइफ लाइन, या हम बात एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी लाइफ को जो है वो करती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एनएसडीसी के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनएसडीसी। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट आपके सामने ये दिया गया है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि एनएसडीसी है, उसको 2009 में स्टेबलाइज है वो किया गया था एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि एनएसडीसी का एम ये है कि हमारे देश में जो एक तरीके से हम बात करें स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, इनको प्रमोट किया जा सके लार्ज और बड़े स्तर पे, और इसी के साथ ही जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो भी यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, हम बात करें एनएसडीसी की, तो एनएसडीसी के मामले में दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसको 2009 में बनाया गया था मिनिस्ट्री
वो फाइनेंस के अंतर्गत प्रॉफिट कंपनी के तौर पे, नो सॉरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तौर पे। इसका काम ये है कि हमारे देश के अंदर प्रॉफिटेबल जो वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, स्किल है, वो प्रोवाइड कराना। देखो, एक वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लो किसी स्टूडेंट ने 12th क्लास तक स्टडी की, अब इसके बाद में वो स्टडी आगे कंटिन्यू भी रखना चाहता है और उसको कुछ मतलब इतना कुछ लाइक हो जाए कि वो अपने डेली की दिनचर्या अपना कुछ ना कुछ पैसे का अरेंजमेंट कर सके, कुछ ना कुछ उसको ऐसी स्किल मिल जाए, तो वो जो स्किल होगी, जो ट्रेनिंग होगी, वो होती है बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग। कि कुछ कुछ उसको वहाँ पे स्टार्टिंग जो बेसिक एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्किल है, वो वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से जानी जाती है, उससे प्रॉफिट भी उनको हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है NSDC के बारे में जो फैक्ट हैं हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वह है MI रैबिट्स के बारे में, कंटेक्स्ट क्या है तो वो देखते हैं। देखो, कंटेक्स्ट ये है कि जापान की इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उसने अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो वहाँ पे MI रैबिट्स है ना, इनको बचाने के लिए वहाँ पे केट्स हैं, MI केट्स, और उन केट्स को एक्चुअली वहाँ पे मतलब बिल्ली हैं उनको वहाँ पे रोका जाएगा। क्यों? उनको पकड़ा जाएगा क्योंकि देखो जो MI केट्स या जो MI जो बिल्लियाँ रहती हैं, MI आपको बता दूँ वहाँ पे एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर खरगोश पाए जाते हैं इस तरह के, और बिल्लियाँ भी हैं। अब क्या करते हैं, बिल्लियाँ इन खरगोश का शिकार कर रही हैं और इनकी संख्या भारी मात्रा में कम हो रही है, और जो ये रैबिट्स हैं या जो कि हम बात करें यहाँ पे खरगोश है, ये MI रैबिट्स, ये वहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये एक्चुअली IUCN की इंडेंजर्ड लिस्ट में उसको शामिल किया गया है। मतलब इनकी नेशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बिल्ली हैं उनको पकड़ा जा रहा है ताकि इनकी संख्या वो बचाई जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि ये है क्या कंटेक्स्ट। देखो, ये इंडेमिक है, पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि MI रेबिट है वो इंडेमिक है, जो कि हम बात करें यहाँ पे रुयुक्यू जो आर्किपेलागो है जापान में, वहाँ पे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंडेमिक है रुयुक्यू आर्किपेलागो जापान में। इसी के साथ ही इनका दूसरा नाम हुआ रुयुक्यू रेबिट, क्योंकि रुयुक्यू एरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम रुयुक्यू रेबिट की भी रखा गया है। IUCN की हम बात करें तो क्रिटिकल, सॉरी इंडेंजर्ड लिस्ट में इनको शामिल है वो यहाँ पे किया गया है। अब देखो, एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो MI रेबिट है वो एक तरीके से क्या है, लिविंग रेमिनेंट ऑफ एंशेंट रेबिट। देखो, लिविंग रेमिनेंट का मतलब क्या है, रेमिनेंट का मतलब क्या होता है, अवशेष होता है एक तरीके से, है ना। और हम बात करें लिविंग रेमिनेंट मतलब जीवित अवशेष, जीवित अवशेष का मतलब ये हो गया कि ये वो खरगोश या वो इस खरगोश की स्पीसीज हैं जो पुराने टाइम पे थी ना, बहुत पुराने टाइम पे वही स्पीसीज आज है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पुराने के पुराने जो अवशेष हैं वो जिंदा फॉर्म में इसमें आज भी एक्टिव, मतलब काफ़ी पुराने जो खरगोश थे उनमें कोई चेंजेस नहीं हुए, वैसे के वैसे खरगोश ही आज हैं, तो वो होते हैं लिविंग रेमिनेंट। तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप और भी हो जाती है कि भाई काफ़ी पुरानी प्रजाति है तो इसको संभाल के रखा जाए। और अहम बात करें, इसको जापान नेशनल मोन्यूमेंट के तौर पे भी इसको क्लासिफाई है वो किया गया है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो UPSC डायरेक्टली पूछ सकती है कि MI रेडबिट्स, आपको ऑप्शन दे देगी कि चाइना, इंडोनेशिया वगैरह, तो ध्यान रखना कि भाई ये जापान का एक इनिशिएटिव है, इसलिए ये फैक्ट हमने यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जो न्यूज़ है हमारी, वो है CAR टेक्नोलॉजी के बारे में। तो है क्या ये, देखो ये देखते हैं। देखो, CAR जो टेक्नोलॉजी, UPSC डायरेक्टली इसके बारे में पूछ सकती है कि कौन सी डिजीज से निपटने के लिए है। तो जो CAR जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है, वो कैंसर से निपटने के लिए भी जाफ है, डिस्कवर है, वो किया गया है। कंटेक्स्ट इसका अभी आया था कि एक बच्चे की 11 साल का बच्चा था, उसका अभी ट्रीटमेंट किया गया कैंसर का इस टेक्निक की हेल्प से। है क्या ये CAR टेक्निक, वो हम देखते हैं। देखो, एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब इसमें पर्सनलाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, किसी पर्सनल इंसान का ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है कैंसर के फॉर्म में। मतलब हर इंसान के लिए ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं कि कोई इंजेक्शन वगैरह डोज है तो सबको वो सेम दे दिया, हर इंसान का ट्रीटमेंट अलग तरीके से करना होगा, ये इसका मेन फोकस है। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है ना, उसी की हेल्प से कैंसर के अगेंस्ट लड़ा जाता है। मतलब कोई बाहरी डोज नहीं दिया जाता, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसी को इस प्रकार डेवलप किया जाता है कि भाई जो कैंसर सेल्स हैं उनको वो फाइट कर सके। अब थोड़ा हम एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं। देखो, पहले क्या होता है कि जो भी मतलब कैंसर पीड़ित पर्सन होता है उसकी बॉडी से ब्लड लिया जाता है, और ब्लड में जो टी सेल पाई जाती है ना उनको अलग किया जाता है फिर, और जो वो टी सेल साइड में निकाल लेगी, अब क्या होगा, उन टी सेल को लैब में ले जाया जाएगा और लैब में उनकी क्या है, एक तरीके से उनकी स्टडी करके और उन जो सेल्स है ना उनको स्ट्रोंग किया जाएगा। मतलब जो टी सेल्स निकाली थी ब्लड से उनको एक तरीके से इम्यूनाइजेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रोंग किया जाएगा, ताकि वो जो कैंसर से लड़ने वाली सेल्स है ना, मतलब जो कैंसर की जो सेल्स हैं, सॉरी, उनके अगेंस्ट वो अच्छे से लड़ सके। मतलब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं उनको खूब अच्छे से खाना पीना खिलाया जाता है, ताकि वो जो ही शरीर में वापस जाएंगी तो वो एक्चुअली कैंसर की सेल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करके नष्ट कर देंगी। तो ये काम इनको यहाँ पे करवाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है CAR टेक्नोलॉजी की हेल्प से। फिर जो CAR जो सेल थी वो वापस ब्लड के थ्रू ह्यूमन बॉडी में वापस मतलब इंजेक्ट कर दी जाती है, और उसके बाद जो भी कैंसर सेल होती हैं उनके अगेंस्ट वो
लड़ाई मतलब एक तरीके से लड़ाई करके और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये है CAR टेक्निक। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसी को इस प्रकार स्ट्रोंग किया गया कि लैब में, ताकि फ्यूचर में इस तरह के मतलब प्रॉब्लम आए नहीं और कैंसर से ऐसे निपट सके। तो ये थोड़ी टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। कंटेक्स्ट अभी आया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने एक अपना एप्लीकेशन लॉन्च किया है ताकि जो स्टूडेंट हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें कि भाई इस तरीके से हमें टेस्ट देना है इस पे उसको लेके है, स्मार्टफोन व उस कंप्यूटर बेस्ड। तो देखो कंटेक्स्ट होगा ही, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखो आपने सुना होगा 2015-16 के टाइम पर जो नीट की एग्जाम होती थी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, उसमें काफ़ी धांधलेबाजी के आरोप सामने आए थे, काफ़ी बड़े इश्यूज आ रहे थे कि वो एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2017-18 के बजट में ये प्रावधान किया था कि भाई एक अलग से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, ऑटोनॉमस और सेल्फ सस्टेन, जो कि आएगी मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, हम बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत होगा क्या, ये हमारे देश के जो भी सेंट्रल लेवल के टेस्ट होंगे उनको कंडक्ट है वो करवाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में उसको नीट और जो हम बात करें ITJEE उनके एग्जाम के लिए स्टार्ट है वो किया गया था, अब धीरे धीरे इसमें और भी एग्जाम ऐड हैं वो की जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत इसको स्टार्ट है वो किया गया है, ये जो भी एग्जाम वगैरह वो कंडक्ट हो रहे हैं वो करवाएगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है एलिफेंट कॉरिडोर को लेके। कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट देखो यह है कि 5 एक इंटरनेशनल NGO है, नाम तो आपको याद हो तो देखना बट एक बार आप देख लो। एक तो है यहाँ पे हम बात करें NGO एलिफेंट फैमिली, और इसी के साथ है इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर, ये एक दूसरा NGO है। इसी के साथ ही एक NGO और है जो है IUCN नीदरलैंड, और एक है वर्ल्ड लेड ट्रस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना, ये कुछ 5 NGO हैं जो क्या है मिलके आए हैं एक जगह ताकि एलिफेंट कॉरिडोर को स्ट्रॉन्ग है प्रिजर्व किया जा सके। कंटेक्स्ट कुछ इस प्रकार है कि देखो हमारे देश में टोटल 101 एलिफेंट कॉरिडोर है, और उसमें से जो 96 है ना वो तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरे में है, तो उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मेनली देखो हमारे देश में 16 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एलिफेंट हो पाए जाते हैं, बट उसमें से 12 मेन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एलिफेंट की संख्या मतलब नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल एलिफेंट पाए जाने का मतलब है कि वहाँ पे ऐसा नहीं कि चिड़ियाघर वगैरह में, मतलब कि नॉर्मली वहाँ पे कॉरिडोर वगैरह है या वहाँ पे एलिफेंट है वो फ्रीली विचरण है वो कर सकते हैं, जिस प्रकार हमने डिस्कस किया था ना कि टाइगर कंट्रीज वो होती हैं जहाँ पे टाइगर फ्रीली मूव है वो कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना कि 5 NGO वो मिलकर आए हैं कि भाई अगले 10 साल के अंतर्गत जो 96 कॉरिडोर हैं उनको थोड़ा डेवलप है वो किया जा सके। ये है यहाँ पे कंटेक्स्ट। अब एलिफेंट कॉरिडोर क्या है वो तो एक बार देखता हूँ। देखो जैसे ये मानो कि ये एक एलिफेंट एरिया है और एक एलिफेंट ये एरिया है। अब देखो इस एरिया के एलिफेंट है वो इस एरिया में जाएंगे कैसे, इसके लिए एक पतला सा स्ट्रेस एक रास्ता बना दिया जाएगा ताकि जो एलिफेंट है उस रास्ते से इस रास्ते में मतलब मूव है इजिली कर सकें इधर से उधर इधर से उधर। तो इसलिए कोई हो गए कॉरिडोर। तो ये आपको ध्यान रखना एलिफेंट कॉरिडोर है यहाँ पे। अब देखो और फैक्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट एलिफेंट की। देखो प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1992 में स्टार्ट किया गया था। ये ध्यान रखना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें स्पॉन्सर है वो खुद करती है। काम क्या है इसका, काम यह कि हमारे देश में एलिफेंट का जो नेचुरल हैबिटेट जो कॉरिडोर है उनको प्रोटेक्ट करना, इसके साथ ही जो मैन और एनिमल मतलब एलिफेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है काफ़ी बार उसको कम करना, और इसी के साथ ही एलिफेंट्स हैं उनकी ब्रीड को डेवलप करना और उनके लिए काम है वो करना। मेनली हमारे देश में जैसे मैंने आपको बताया कि 16 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं। तो देखो ये तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसमें यूटी और स्टेट दोनों को काउंट किया गया, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। और ये ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है वो इसके लिए फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके। अब देखो हमारे देश में ये थोड़ा सी एक लिस्ट दी गई है, आप एक बार इसको थोड़ा देख सकते हो। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट हमारे देश में बात करें रिसेंटली वो आप देख सकते हो कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट की बात करें तो वो है केरला में फिलहाल। ये देखो 2000 हम बात करें, ये है आई थिंक 2017 का डाटा है ये। तो ये आप कुछ थोड़ा फैक्ट है वो यूज़ कर सकते हो इसका कि 2017 में एलिफेंट की ये डाटा यहाँ पे दिया गया है, ये है शायद 2016 के आसपास का। देखो ये जो लिस्ट है ये आपको मैंने यहाँ पे लिंक दिया है, और ये लिंक है वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, और इसी के साथ जो हमारा वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो लिंक है इस लिंक पे आपको नेशनल पार्क हो गए या जो भी इन्वायरमेंट संबंधी हमारे देश की बॉडीज़ हैं क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। यह गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो आपको आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट मिल जाएगा, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप इससे जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है वो कर सकते हो, नेशनल पार्क होगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, जो भी इन्वायरमेंट संबंधित इशूज़ हैं। तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे शेयर है वो कर दूंगा, या आप इस लिंक को यूज है वो कर सकते हो।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल को लेके। कंटेक्स्ट अभी यह था कि देखो जो ब्लैक सॉफ्ट सेल जो टर्टल है ना वो हमारे देश में पाया जाता है, वो भी इनकी संख्या काफ़ी कम है, वो होती जा रही है। देखो हमारे देश में जो कछुए की हैं वो 28 प्रजाति हैं वो पाई जाती हैं, और उन 28 में से लगभग 20 प्रजाति तो ऐसी हैं जो अकेले आसाम में ही पाई जाती हैं, और जो आसाम में स्पीसीज पाई जा रही हैं उनकी संख्या बहुत रेपिडली कम हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो जो कछुए हैं इनका जादू टोनों में यूज किया जाता है, इसके साथ ही इनका मांस के लिए यूज किया जाता है, और जो इनके अंडों की खपत है वो भी मतलब खाने पीने में यूज है वो ज़्यादातर की जाती है, और इसी के साथ आपको पता है क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो इनकी संख्या लगातार कम है वो होती जा रही है। ये आपको ध्यान में रखना। मेनली जो हमारे देश में कछुए की प्रजाति हैं वो मैक्सिमम वो आसाम में ही पाई जाती हैं, तो अगर यूपीएससी से कई बार आपको कुछ क्वेश्चन पूछे तो अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहे हैं वहाँ पे तो आई होप आप इसका मतलब तो कहते हैं ना कि तुक्के वाला मेथड वहाँ भी आप इसको यूज है वो कर सकते हो कि भाई मैक्सिमम स्पीसीज है वहाँ पे है, तो मे बी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो जो ब्लैक सोपसाइड जो टर्टल है ना वो आयुसीएन की हम बात करें यहाँ पे तो उसको आयुसीएन में भी काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी गई है, इसके साथ ही वो एक्सटेंस होने के कगार पे हो रखा है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि पाया कहाँ जाता है, पाया है इंडिया में तो आसाम में, और बांग्लादेश के चटगांव वाले एरिया में भी है पाया है वो जाता है। और मैंने जो ब्लैक सोपसाइड जो टर्टल है इसको ये कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु का एक अवतार है, और आसाम के अंदर एक टेम्पल है जिसका नाम है यहाँ पे हाजो मंदिर, तो आपको ध्यान रखना कि हाजो मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है, और वहाँ पे मेनली कछुए तालाब में पाए जाते हैं। तो ये कुछ कंटेक्स्ट अभी इस प्रकार आया है। तो पहले हम एक बार ये माधव मंदिर या फिर हम बात करें यहाँ पे हाजो मंदिर है इसको भी एक बार हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। इसको मेनली हयाग्रीव माधव टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना है कि ये विष्णु धर्म को समर्पित है, पहला फैक्ट तो ये हो गया, मतलब भगवान विष्णु को जो लोग फॉलो करते हैं वो होता है विष्णु धर्म, तो ये इफेक्ट हो गया। है कहाँ पे? आसाम में है। ये इतना इफेक्ट इंपॉर्टेंट। बनाया किस टाइम गया था? यह बनाया गया था पाल शासकों के द्वारा, या 10वीं से 12वीं सेंचुरी के लगभग बीच में बनाया गया है। तो ये दो चार फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, यूपीएससी पूछ सकती है कि जो विष्णु मंदिर के बारे में, तो ध्यान रखना कि पाल शासकों ने इसको बनाया था 10वीं से 12वीं सेंचुरी के लगभग बीच में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल हुआ है प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट, कंटेक्स्ट यह है कि देखो केरला गवर्नमेंट है वो एक पहली स्टेट बन गई है जिसने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट है वो स्थापित की है। देखो हमारे देश में जो दवाई वगैरह मेडिसिन हैं इनको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही थी, तो ना ही कोई स्टेट जो है वो ढंग से काम कर रहा था, इसीलिए क्या हुआ था, नेशनल जो फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है जो कि एक्चुअली रेगुलेट तो करती है बट आपको पता है कि ये स्टेट का भी कुछ अहम काम होता है कि वो भी इनको रेगुलेट करें, तो इसीलिए उन्होंने स्टेट को आदेश भी दिया था कि भाई आप है इनको प्राइस वगैरह को रेगुलेट कीजिए। और इसी दिशा में केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव या स्टेप उठाया है कि वो प्राइस को मॉनिटर करेगी, रेगुलेट करेगी, ताकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो मनमर्जी की रेट वगैरह ना रख सकें और कंज्यूमर का भी इसमें फ़ायदा है वो रह सकें। तो यह ध्यान रखना केरला गवर्नमेंट के द्वारा पहला ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट है वो किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें जो सेक्टर दवाइयाँ बनाता है मेडिसिन बनाएंगे वो सारे सेक्टर इसमें स्टेक होल्डर शामिल है वो जाएंगे, एक तरीके से न्यू वॉच डॉग का काम है वो करेगा, मतलब निगरानी का काम रखेगा, जो भी प्राइस वगैरह मनमर्जी से चेंज करेंगे उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई है वो की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल हुआ है प्रवासी कौशल विकास योजना, देखो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड हम बात करें यहाँ पे इन दोनों के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन दोनों का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, एक प्रोग्राम है। है क्या? देखो आपको पता है कि हमारे देश के मैक्सिमम काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो बाहरी कंट्रीज़ में काम करते हैं, अब उनके पास क्या है कि स्किल की भारी कमी होती है, तो जब भी वो दूसरी कंट्री में जाके काम करते हैं, मान लो कि इंडिया कोई पर्सन है वो यूएस या यूके में जाके काम कर रहे हैं बट उसके पास स्किल नहीं है, तो वो क्या करेगा, खुद में अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है कि यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरे को मतलब काफ़ी छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई उन वर्कर्स को तो एक तरीके से स्किल प्रोवाइड करवा जाए थोड़ी बहुत, ताकि वो अपने आप में एम्पावर कर सकें और वहाँ पर अच्छे ढंग से काम कर सकें और उनको भी बेनिफिट उसका शेयर है वो हो सके, उनमें कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा, और जो इंडियन यूथ जो बाहर रह रहे हैं उनको काफ़ी सारे मतलब एक तरह से अजनबी का सा एहसास नहीं होगा, वो भी खुद वहाँ पे आराम से काम है वो कर सकते हैं। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।